नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों के बारे में। चाहे नई ट्रेन चलने की बात हो या पहले से चल रही ट्रेनों में कोई बदलाव किया गया हो, इस तरह की जानकारी हम आपके सामने लाते हैं विश्वसनीय स्रोतों से लेकर के। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आने वाला है, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा इत्यादि। इसमें जो लोग बाहर रहते हैं अपने शहर के, वो अपने शहर लौटते हैं, इस कारण ट्रेनों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। बढ़ती हुई भीड़ों को देखते के साथ ही भारतीय रेलवे ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। इसी क्रम में पटना और आनंद विहार के बीच में एक नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके बारे में हम बताएंगे। ट्रेन का नंबर क्या है, कितने बजे प्रस्थान करेगी, कितने बजे आगमन होगा इसका, कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। गाड़ी संख्या 02391 ये पटना से प्रस्थान करेगी रात के 10:20 पर और आनंद विहार पहुंचेगी दूसरे दिन शाम के 3:00। बीच में ये दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल इत्यादि स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन का परिचालन प्रत्येक शनिवार को होगा, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और समाप्ति 9 नवंबर 2024 तक होगी। इसके 6 ट्रिप लगेंगे टोटल। वापसी की ट्रेन है 02392, इसका परिचालन 6 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक होगा। इसके भी 6 ट्रिप लगेंगे हर रविवार को। पटना से आनंद विहार से ट्रेन रात के 11:20 पर प्रस्थान करेगी, तो रास्ते में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर रुकती हुई अगले दिन शाम के 5:20 पर ये ट्रेन पहुंच जाएगी पटना। इस ट्रेन में जनरल के 3 कोच होंगे, स्लीपर के 12 कोच होंगे, थर्ड एसी के 4 कोच होंगे और सेकेंड एसी के 2 कोच होंगे। फर्स्ट एसी की बात नहीं बताई गई है। इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए या यात्रा प्लान करने से पहले आप भारतीय रेलवे से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में किसी और ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए जानकारी के लिए। धन्यवाद।